सो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं फेस्टिवल ग्लो अप, जिसमें हम फेशियल करेंगे, हेयर स्पा करेंगे, बॉडी केयर करेंगे एंड बहुत कुछ करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अपूर्वा एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो चलो सबसे पहले करते हैं हेयर स्पा। सबसे पहला स्टेप है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, इट नरिशेस एंड मॉइस्चराइज द स्कैल्प एंड ये हमारी हेयर ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करता है। तो हम अपनी रूट से लेके एंड तक इसे अप्लाई करेंगे। ऑल्सो मेक श्योर टू बी वेरी जेंटल वाइल अप्लाइंग द ऑयल। गाइज, जो मैं ऑयल यूज कर रही हूँ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। गाइज, अगर आप हेयर फॉल या अदर हेयर इश्यूज फेस कर रहे हो ना, प्लीज डू अप्लाई दिस ऑयल। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे हेयर मास्क, जिसके लिए मैंने यहाँ 4 कप्स ऑफ वाटर लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 कप फ्लैक्स सीड्स। अराउंड 10 मिनट्स तक हमें इसे स्टोर करना है। इसका वाटर कंसिस्टेंसी ना थोड़ा जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन हम गैस ऑफ कर देंगे। एंड अब हमें इसे स्ट्रेन करना है, तो ठंडा होने के बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे। उसके लिए हमें कपड़ा यूज करना है क्योंकि ये छन्नी से स्ट्रेन नहीं होगा। तो अभी जितना भी जेल होगा वो इस कपड़े की हेल्प से हमें स्क्वीज कर करके निकाल लेना है। एंड आर फ्लैक्सीड जेल इज रेडी। अभी ये जेल हमें अपने रूट्स से लेके एंड तक पूरे बालों में अच्छे से लगाना है। तो फ्लैक्स सीड से हमारे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट जाता है, सो इफ यू वांट लॉन्ग हेयर दिस इज वेरी गुड फॉर दैट। सो इट कंटेन्स विटामिन ई जो हमारे रूट्स को नरिश करता है एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस रेडिकल डैमेज। तो अराउंड 1 आवर रखने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। एज यूजुअल शैम्पू और कंडीशनर कर सकते हो, आप कंडीशनर स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये जेल कंडीशनर का ही काम करता है। इसके बाद यू विल फील आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अभी फेस्टिवल सीजन है तो बॉडी हेयर तो रिमूव करना बनता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रब बनाऊंगी, मेरा कॉफी स्क्रब, जिसके लिए हम लेंगे 2 स्पून कॉफी, 2 स्पून शुगर एंड सेम क्वांटिटी में कर्ड, थोड़ा सा रोज वाटर डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्क्रबिंग बिफोर शेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है स्किन, जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। ऑल्सो इट प्रिवेंट्स इनग्रोन हेयर, सो मेक श्योर आप एक्सफोलिएट करो एंड उसके बाद शेव करो। यहाँ पे मैं बहुत जेंटली अपने हाथों का स्क्रब कर रही हूँ, मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी जेंटल। सो इसमें हमने कर्ड डाला है, कॉफी डाला है, जो हमारी स्किन को ब्राइटन करेगा, टैनिंग को रिड्यूस करेगा, ऑल एंड ऑल मेरी स्किन को स्मूथ और ऐसे ब्राइट कर देगा। अभी एक्सफोलिएट करने के बाद हमें बॉडी वॉश लगाना है, आप सोप भी लगा सकते हैं, उसके बाद शेव करना है। वॉश करने के बाद अच्छे से हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर शेविंग मॉइस्चराइजर इज मस्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने नेल्स को ग्रूम करेंगे। दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट स्टेप क्योंकि मुझे अपने नेल्स को ऐसे रेडी रखना बहुत अच्छा लगता है। फिर जो पहले से नेल पेंट लगी हुई थी मैं उसको रिमूव कर लूंगी एंड उसके बाद अपने नेल्स को बफ कर लूंगी, जिससे इवन हो जाए नेल्स मेरे। अपनी क्यूटिकल्स को मॉइस्चराइज करूंगी, तो मैंने आलमंड ऑयल लिया है, अपने नेल्स में अप्लाई किया है एंड अच्छे से उनको मॉइस्चराइज कर दिया है। तो अभी हम नेल पेंट अप्लाई करेंगे और अपने ऐसे हैंड्स को फेस्टिव रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फेशियल। तो इसके लिए आप मार्केट की फेशियल किट्स का भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली जल्दी सूट नहीं करती कोई, इसीलिए मैं खुद का DIY फेशियल करती हूँ। तो चलो फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग, जिसके लिए मैंने रॉ मिल्क यूज़ किया है। ये मेरा फेवरेट क्लेंजर है, आप जानते होंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन लिया है, उसको रॉ मिल्क में डिप करके अपने फेस को क्लेंज करेंगे अच्छे से। ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकाल देगा, हमारे फेस को अच्छे से क्लेंज कर देगा। ऑल्सो हमारी स्किन को ऐसे थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करता है, ये साथ में बिल्कुल भी हार्श नहीं होता। सो ये करने के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, जिसके लिए हम DIY स्क्रब बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिया ग्रीन टी जो कि यूज्ड है, सो इसको हम कट करके जितनी भी ग्रीन टी होगी हम बोल में निकाल लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ग्राम फ्लावर एंड 1 स्पून कर्ड, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आर DIY स्क्रब इज रेडी। ग्रीन टी हमारी स्किन को इंटेंस नरिशमेंट और हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग हो जाती है। इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी एंड देन हम अपने टी जोन एरिया को स्क्रब करेंगे। सो अराउंड 2-3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे एंड नाउ यू कैन सी हाउ क्लियर एंड सॉफ्ट माई स्किन इज लुकिंग। स्क्रब करने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है स्किन। अभी हम बनाएंगे अपना DIY फेस पैक, जिसके लिए मैंने यहाँ रोज़ पाउडर लिया है, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स किया है एंड थोड़ा सा रोज़ वाटर भी। अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड अपने फेस पे अप्लाई करना। तो रोज़ में होता है विटामिन ई और सी, जो हमारे स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है उसको लाइट करता है, हमारी स्किन को इवन आउट करता है एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज भी करता है। ऑल्सो इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, तो हमारे एक्ने को भी ट्रीट करता है। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी एंड अराउंड 10-15 मिनट्स तक हम इसे रखेंगे, जब तक पार्शियल ड्राई होगा एंड उसके बाद इसे वॉश कर लेंगे।
अभी आप देखोगे मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है एंड इट्स बिकॉज आर DIY फेस पैक। तो अभी हम अपने फेस को मसाज देंगे। तो मैंने एलोवेरा जेल का यूज़ किया, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। अभी मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज करूँगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर हमें ये करना है एंड ऑल्सो ये हमारी स्किन को ऐसे सूद करेगा क्योंकि हमने बहुत कुछ किया अभी अपने फेस पे। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स से अपने फेस को अच्छे से मसाज करूँगी एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो कॉल्ड फेस मसाज ऑन माई चैनल, तो आप वो देख सकते हो। एंड अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे वॉश भी कर सकते हो। फिर आप मेरी तरह एक सॉफ्ट टॉवल से या माइक्रोफाइबर टॉवल को हल्का सा वेट करके अपने फेस को वाइप कर सकते हो। नाउ सब कुछ करने के बाद आर लास्ट स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज़ अ फेस। तो कोई भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र लेके आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लो एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज़ योर लिप्स एज वेल। तो अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, ऐसे नरिश हो गई है एंड ऑल्सो फेस्टिव रेडी हो गई है। एंड गाइज आई नो तो ऐसा लेट हो गया वीडियो, पर अभी भी बहुत सारे फेस्टिवल और शादी सीजन बचा हुआ है, तो आप भी कर लो फेस्टिवल ग्लो अप। एंड आई फील लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू कीप स्माइलिंग कीप लविंग। ओके बाय।